चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक एडजॉर्प्शन एंड इट्स टाइप्स। यहां हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। चलिए शुरू करते हैं CV1 एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। आपने सुना होगा कि वाटर एब्जॉर्ब हो गया, इंक एब्जॉर्ब हो गई। बट क्या आप जानते हैं कि जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वो जाता कहाँ है? चलिए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के बल्क में यानी अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं उन्हें हम एब्जॉर्बेट कहते हैं और जिसके अंदर जाते हैं उस सब्सटेंस को हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि जब भी वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वाटर किसी दूसरे सब्सटेंस के बल्क में चला जाएगा। अब समझते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जनरली दो तरह की स्पीसीज मौजूद होती हैं, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। चलिए देखते हैं कि एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट क्या होते हैं। एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस होता है जिसके पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं। एडजॉर्बेट सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि एडजॉर्बेंट क्या होता है। एडजॉर्बेंट वह सब्सटेंस होता है जो एडजॉर्प्शन के लिए एडजॉर्बेट को अपना सरफेस प्रोवाइड कराता है। इन अदर वर्ड्स हम यह भी कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस के सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है वही सब्सटेंस एडजॉर्बेंट कहलाता है। एडजॉर्बेंट सॉलिड या लिक्विड हो सकता है क्योंकि गैसेस के पास सरफेस नहीं होता है। आई होप अब आप समझ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया गया है। कुछ गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड के ऊपर एयर में है जबकि कुछ गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड के बल्क में एब्जॉर्ब हो गए हैं। ध्यान दिया आपने, लिक्विड के बल्क में एब्जॉर्ब हो गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह डायग्राम एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक बल्क फिनोमिनन है। ऑन दी अदर हैंड इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कुछ गैसेस पार्टिकल्स एयर में है जबकि कुछ गैसेस पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो गए हैं। ध्यान दिया आपने, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह डायग्राम एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक सरफेस फिनोमिना है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन के दौरान किस प्रकार से एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के बल्क में चले जाते हैं। आई होप यहां आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। आई होप यहां आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉर्प्शन कैसे वर्क करता है। डिड यू नो सिलिका जेल वाटर वेपर्स को एड्जॉर्ब करता है। ऑन दी अदर हैंड एनहाइड्रस CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान दिया आपने, सिलिका जेल एड्जॉर्ब करेगा जबकि कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करेगा। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजॉर्बेंट्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चारकोल, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एडजॉर्बेंट्स हैं। आइए अब समझते हैं एडजॉर्प्शन इन एक्शन। यहां हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देखेंगे जिनकी हेल्प से हम एडजॉर्प्शन को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एडजॉर्प्शन को समझाने के लिए यहां हमने कॉनिकल फ्लास्क में ब्राउन कलर की NO2 गैस ली है। क्या अब आप सोच सकते हैं कि यदि इस कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा एक्टिवेटेड चारकोल मिला दिया जाए तो क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल इज अ गुड एडजॉर्बेंट। अगर हम थोड़ा सा एक्टिवेटेड चारकोल इस कॉनिकल फ्लास्क में मिला देंगे
तो यह एक्टिवेटेड चारकोल ब्राउन कलर की NO2 गैस को अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण द ब्राउन कलर ऑफ द गैस विल बी कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये गैसेस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो यहाँ पर गैस का प्रेशर क्रिएट होगा। माना कि यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो P है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इसी कंटेनर में थोड़ा सा एडजॉर्बेंट मिला दिया जाए तब गैस के प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम इसी कंटेनर में थोड़ा सा एडजॉर्बेंट भी डाल दें तो वह एडजॉर्बेंट बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत कम बचेंगे जो कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे और गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा वो लेस देन P होगा। आई होप कि अब आप सभी एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ चुके हैं। चलिए एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ और बेसिक टर्म्स को समझते हैं। द फर्स्ट टर्म इज डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम यह भी कह सकते हैं कि डिजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस होता है। द सेकेंड टर्म इज जॉर्प्शन। जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हैं।